हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं विस्टास बुक का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग, विच इज़ रिटन बाय काल्की। ये तो चैप्टर है प्राइड और स्टबर्ननेस पे है, ज़िद्दी पने पे है, अपनी बात मनवाने वाली ज़िद पे है। ठीक है, ये जो किंग है, ये जो स्टोरी है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम की है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट इंटरेस्टिंग इन सर्विंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंग। ठीक है, यहाँ पर लोगों को किंग उनका पसंद ही नहीं होता है। किंग जो है वो फुलिश है, वो हमेशा अपने आप को फ्लॉन्ट करता है। कहाँ का है ये किंग, महाराजा कहाँ का है? प्रतिबंधमपुरम का। ठीक है, तो वो ये सोचता है कि वो अपनी किस्मत खुद लिखवा कर लाया है, वो जो चाहे अपनी किस्मत के साथ कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर उसके बर्थ के 10th डे पे उसकी डेथ प्रेडिक्ट कर देते हैं, बट किंग उस एस्ट्रोलॉजर के प्रडिक्शन को गलत करने के लिए, फॉल्स प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा गलत काम करता है। सो प्रडिक्शन ये थी कि जो महाराजा है जलानी जंग जंग बहादुर, वो टाइगर से मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा? क्योंकि वो एक बुल आ में पैदा हुआ है। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ टॉरिटेरियन, टॉरस। सो टॉरस यानी कि बुल्स और टाइगर्स एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो इसीलिए जो किंग है वो टाइगर से मारा जाएगा। और कौन से टाइगर से मारा जाएगा? 100th टाइगर से, 100वें टाइगर से वो मारा जाएगा। तो यहाँ महाराजा अपनी विश पूरी करने के लिए एंड एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को गलत प्रूफ करने के लिए 99 टाइगर्स को मार देते हैं एंड एट लास्ट एक लाइफलेस, एक वुडन टाइगर आकर महाराजा को मार देता है। सो ऐसे एस्ट्रोलॉजर की जो 100th टाइगर की प्रेडिक्शन होती है वो सच प्रूव हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे करेक्टर्स हैं इस चैप्टर में, बट वील गो विद द इम्पॉर्टेंट वन। सो मेन हमारा हीरो कौन है, प्रोटैगनिस्ट कौन है? द टाइगर किंग, जिसको महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम भी कहा जाता है, जलानी जंग जंग बहादुर भी कहा जाता है। उससे पहले इसे क्राउन प्रिंस कहा जाता है। क्राउन प्रिंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्टन ही था कि इसी ने ही किंग बनना है। क्राउन प्रिंस यहाँ कौन है? 10 दिन का ही महाराजा है। जब महाराजा 10 दिन का होता है और पहली बार बोलता है, 10 दिन के होने के बावजूद वो बोलता है, तब इसे क्राउन प्रिंस कहा गया है। चीफ एस्ट्रोलॉजर वो है जो महाराजा की भविष्यवाणी करता है। दुराए कौन है? चीफ लीडर है, ये ब्रिटिश ऑफिसर है। दीवान चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है महाराजा का, महाराजा का ही मंत्री है। दुरासनी, दुरासनी है वाइफ दुरई की, ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है दैट इज दुरासनी। इस चैप्टर की थीम है एनिमल्स, बर्ड्स एंड नेचर पे, कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग डिस्ट्रक्ट कर रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस को सिर्फ एक अपनी जिद, अपनी एक इच्छा मनवाने के लिए, अपने आप को पावरफुल प्रूफ करने के लिए इंसान कितना नेचर का नुकसान कर रहा है। सो द समरी ऑफ द चैप्टर इज द महाराजा सर जलानी जंग जंग बहादुर, जिन्हें हम द टाइगर किंग के नाम से जानते हैं, जब वो 10 दिन के होते हैं तो उनके चीफ एस्ट्रोलॉजर उनके लिए एक प्रडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि वो एक टाइगर से मारे जाएंगे। तब 10 दिन का वो बच्चा क्राउन प्रिंस महाराजा जलानी जंग जंग बहादुर बोलता है कि बताओ मैं कैसे मारा जाऊँगा। तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया कि 10 दिन का बच्चा बोलने लग गया। बट चीफ एस्ट्रोलॉजर उन्हें समझाते हैं, क्योंकि आप बुल आर में पैदा हुए हैं, क्योंकि आप टॉरिटेरियन हैं, टॉरिटेरियन माने बुल हैं, बुल और टाइगर एक दूसरे की एनिमी होते हैं, तो आप टाइगर से मारे जाओगे। तो जलानी जंग जंग बहादुर महाराजा है, अब एक टाइगर से तो वो मारे नहीं जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा आप 100वें टाइगर से मारे जाएंगे। तब वो बच्चा, वो क्राउन प्रिंस उस वक्त कहता है लेट टाइगर्स बिवेयर, सब टाइगर्स को बोल दो कि मैं आ गया हूँ और मैं उन सबको मार दूंगा। वो बच्चा रॉयल होता है, तो लॉयल होने से उस बच्चे को जो मिल्क दिया जाता है वो इंग्लिश काओ का दिया जाता है। इंग्लिश मैन उसे पढ़ाते हैं, यानी कि इंग्लिश ट्यूटर उन्हें पढ़ाते हैं, इंग्लिश नैनी ही उन्हें बड़ी करती है और वो देखते भी इंग्लिश मूवीज़ ही हैं। 20 साल के जब हो जाते हैं तब उनकी कॉरोनेशन हो जाती है, उन्हें ताज पहना दिया जाता है, उन्हें किंग बना दिया जाता है। 20 साल तक वो भूल जाते हैं कि उनकी कोई प्रोडिक्शन हुई है, बट ऑल ऑफ सडन उन्हें याद आता है कि उनकी एक प्रोडिक्शन हुई थी कि
कि उन्हें 100 टाइगर मार देगा। तो वो एक प्लेज लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि जितने भी टाइगर्स उन्हें दिखेंगे, जब तक वो अपने 100 टाइगर तक नहीं पहुंच जाते, वो सबको मार देंगे। अपने किंगडम में महाराजा टाइगर हंटिंग बैन कर देते हैं। बट एक दिन क्या होता है, एक दुराई आता है, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आता है महाराजा से परमिशन लेने के लिए कि वो उनके किंगडम में टाइगर हंटिंग करना चाहता है। एंड महाराजा ने एज सच जैसे कि बैन की थी टाइगर हंटिंग, तो उन्हें मना कर देते हैं। बट फिर से हाई रैंकिंग ऑफिसर ये पूछता है कि ठीक है, मैं पिक्चर क्लिक कर लूँगा, तुम मार देना, उस पर पाँव रख कर मैं पिक्चर क्लिक करवा लूँगा। महाराजा उस चीज़ को भी मना कर देते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश ऑफिसर था। महाराजा को अब डर हो गया कि कहीं उनका किंगडम ना छीन लिया जाए, तो वो एज अ गिफ्ट उनकी वाइफ दुरसनी को 50 डायमंड रिंग्स भेजते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो एक या दो रख कर वापस कर देंगी, बट वो क्या करती हैं, वो 50 की 50 डायमंड रिंग्स रख कर एक थैंक यू नोट भेज देती हैं, और महाराजा को बिल देना पड़ता है 3 लाख रुपीज़ का उस टाइम पर। महाराजा 10 साल में 70 टाइगर्स को मार देते हैं। अब उनके किंगडम में टाइगर्स बचे ही नहीं, तो वो मैरिज करते हैं ऐसी लड़की से जिसके किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स हों। तो जब भी अपने फादर इन लॉ के घर पे जाते थे, 5 to 6 टाइगर्स को नॉर्मली किल कर देते थे। अब जब 99 टाइगर्स को उन्होंने किल कर दिया, अब 100 टाइगर उन्हें मिल ही नहीं रहा, तो उन्होंने एक रिवॉर्ड रखा उनकी पब्लिक पर कि जो भी टाइगर ढूंढ के लाएगा, उन्हें कुछ महीनों के लिए टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी टाइगर ढूंढ के नहीं ला रहा था, तो दीवान महाराजा का जो मंत्री होता है, वो लेकर आता है पीपल्स पार्क मद्रास से एक फ्रेल, एक वीक ओल्ड सा टाइगर। जैसे ही महाराजा उस टाइगर को देखकर शूट करते हैं, तो जो टाइगर होता है वो सिर्फ गोली की आवाज़ सुनकर बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है। एंड महाराजा को लगता है कि उन्होंने टाइगर मार दिया है, क्योंकि सब ऑफिसर्स महाराजा से इतना ज़्यादा डरते हैं, वो उन्हें इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि उनका जो 100th टाइगर है वो नहीं मार पाए हैं। एंड ऑफिसर्स खुद ही उसे शूट कर देते हैं। 3 साल के बाद जब महाराजा को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपने बेटे के साथ कभी खेले ही नहीं है, तो अपने बेटे के 3rd बर्थडे पे वो मार्केट में जाते हैं एंड एक टॉय शॉप से एक वुडन टाइगर लेकर आते हैं। जब महाराजा उस वुडन टाइगर के साथ में और अपने बेटे के साथ में खेल रहे होते हैं, तो उस वुडन टाइगर का स्लीवर महाराजा के राइट हैंड में पियर्स कर जाता है, लग जाता है। एंड जस्ट वो एक छोटी सी स्लीवर माने सिलत की वजह से महाराजा के पूरे हाथ में इन्फेक्शन हो जाती है, और इन्फेक्शन की वजह से महाराजा मर जाते हैं। थस 100th टाइगर का जो फाइनल रिवेंज होता है द टाइगर किंग पे, वो फुलफिल्ड हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टाइगर किंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस समरी ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ कम्प्लीट डिस्क्रिप्टिव वीडियो, प्लीज़ डू मैसेज मी। थैंक यू सो मच।